बटेर वगैरह कबूतरों के। और चलो छोड़ो ज़रा ये चेक करें। पड़ गई। ये हमारा पिजन शरीफ है जिसके पर भी बांधे हैं और डोरी से। और यहाँ पे सच्ची बताऊँ तो हमारा जो ये एरिया भी है काफ़ी बदनाम है वारदात के लिहाज से, रॉबरीज के लिहाज से। यहाँ पे जो लोग हैं लड़ाई झगड़ों वाले, अगर किसी के साथ कुछ मसला हो गया तो डायरेक्ट टिशू टिशू। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। शुरू में आवाज़ कट गई थी इस क्लिप की, तो मैंने दोबारा रिकॉर्डिंग की है वॉइस उम्मीद है की। शुरू में तो आपको थोड़ी सी आवाज़ आ गई होगी, इसके आगे आवाज़ तकरीबन हवा की वजह से बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो इन शॉर्टली बता देता हूँ कि आज दरिया पे जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दिखाएंगे मछली का शिकार, मछली किस तरह दरिया से पकड़ते हैं। और उसके साथ साथ वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ लोग फाल्कन्स भी पकड़ते हैं। मैं कभी गया नहीं, पहली बार जा रहा हूँ और सोचा कि चलें उनकी भी जिस तरह पकड़ते हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ फाल्कन्स वगैरह। बेसिकली तो मछली पकड़ने के सिलसिले में जा रहे हैं कि वो किस तरह जाल डालते हैं और पकड़ते हैं। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, खुद पकड़ते भी होंगे। और लेकिन साथ साथ जो फाल्कन्स का है पकड़ने का तरीका, बहरी बाज वगैरह, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ अगर वो बंदे वहाँ पे बैठे हुए तो, ठीक है। और इसके साथ साथ भी रास्ता भी आपको दिखाएंगे किस तरीके का है, किन रास्तों से गुजर के हमें जाना पड़ता है वहाँ तक। ये देखें जी, अभी फ़िलहाल रास्ते पर हैं हम और देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। तकरीबन हम नज़दीक पहुंच गए हैं काफ़ी दरिया के, चारों तरफ फसलें हैं, कच्चे रास्ते हैं जा रहे जो दरिया की तरफ। गांव, कई किस्म के गांव आते हैं यहाँ पे, यहाँ से गुजर के दरिया की तरफ जाना पड़ता है। और फाइनली हम दरिया पे पहुंच गए हैं, दरिया का एरिया है। लैपविंग काफ़ी ज़्यादा बैठी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा जो फैल्कन वगैरह पकड़ते हैं लग रहा है कि वो सामने काफ़ी दूर तो वो वहाँ पे बैठे हैं, अब उनके पास जाने लगे हैं। अगर कोई उधर मिल गया बंदा तो गपशप लगाते हैं, सेटअप देखते हैं उनका। नहीं कोई नहीं, सही अंदर तले अक्सर टूबल भी हो बंदे बोला ना पड़ा। और मज़े की बात यह है कि हमारे जो साथी हैं जिन्होंने आना था साथ मछली के शिकार के लिए जाल लेके आना था, वो अभी तक नहीं पहुंचा ना उनसे रब्ता हो पा रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं फ़िलहाल फाल्कन के ट्रैपर्स के पास, अगर तो वो दोस्त आ गए जल्दी जाल लेके तो इंशाल्लाह हम मछली का शिकार भी आपको दिखाएंगे, कितनी मछली पकड़ी जाती हैं कितनी नहीं। अगर ना सके तो चले फ़िलहाल फाल्कन का देखते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे, किस तरह पकड़ते हैं, ठीक है। वैसे तो वो ऑलरेडी मैंने वीडियोस में देखा हुआ है कई दफ़ा, लेकिन आज अपनी आंखों से सारा सेटअप खुद पहली बार देख रहा हूँ। वसी ये चेक करें जी, रेत के अंदर रेत फुल गर्म है, मिट्टी रेत मिक्स, चलना भी मुश्किल है यहाँ पे। भैंसे वगैरह लोगों ने छोड़ी हुई हैं अपनी चराने के लिए यहाँ पे। हाँ जी बैठा आओ। और फाल्कन वगैरह पकड़ने के लिए मेरे ख्याल में पैदल चलना पड़ रहा है यहाँ पे, स्टैमिना बाबा जी है नहीं मेरा कि ज्यादा देर में चल पाऊँ। सीधी सी बात है, सांस चढ़े थे और मुझे बचपन से सांस का प्रॉब्लम है। और कबूतर बने हैं बिच,
यहाँ पे ये देखें कबूतर बांधा हुआ है और वो बंदे बैठे हैं जो बाकी इनके करीब जाके आपको दिखाते हैं। और इंटर हो गए, ये दो गज़ा लगा हुआ है, सात कबूतर एक बांधा हुआ है दो गज़े में, जिस तरह से बैरी आए दो गज़े में लग जाए। इसके अलावा कुछ और बर्ड्स भी लग जाते हैं जिसमें ईगल्स वगैरह भी आ जाते हैं और कैस्टल या रेड हेड मर्लिन। दरिया भी सूख गए, वही बात हमारी हो रही थी कि एक वीक पहले यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गहरा पानी था और अभी जो कंडीशन है कि ये सूख गया और दूसरी तरफ पानी रह गया, कुछ लोग वहाँ पे मछली पकड़ भी रहे हैं और हमारे वाला बंदा जिसके पास जाल है अभी तक पहुँचा नहीं है। ये चेक करें जी, दो गज़ा दाना भी रखा हुआ कबूतर के लिए। ये जा रही है, ये जाल है, दो गज़ा बोला जाता है इसको। और ये डोरी है जिससे वो फिर जाल खींच देते हैं, कबूतर हिलाते हैं ताकि बहरी जब आए कबूतर हिले। और वहाँ पे बंदे बैठे हैं, आ जा आपको देखते हैं अगर वो गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। कुछ लोग डर भी जाते हैं कि पता नहीं क्या करने आए। ये एग्रेट्स जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में और मैं अभी, दरिया का पानी काफ़ी लो है इस जगह पे और यहाँ पे आके ठंडा होता जा रहा है। फाइनली पहुँचे हुए हैं दरिया में, भी जाल का इंतज़ार कर रहे हैं। मच्छी कह रहा हूँ, वैसे तो हम आमतौर पर मच्छी ही बोलते हैं, मछली का शिकार के लिए ये पानी है। और देखते हैं किस्मत में, टोटल दरिया कह रही है। अभी एक और जगह नेट लगा हुआ है, वो पिछली तरफ एक पहले आपको नेट दिखाया फाल्कन के लिए और एक और लगा हुआ है वहाँ भी कबूतर बंधा हुआ है, वो भी दिखाते हैं। और हाँ, इन्होंने भी काम किया हुआ है, वरना तो बहुत सी एसेसरीज होती हैं इनकी फाल्कन पकड़ने की, बहुत से तरीक़ेकार होते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ जी, चलिए आपको भी मेरे साथ नज़ारा हो जाएगा। एक तो दरिया का, ये पता नहीं क्या चीज़ जा रही है, ये भी कोई आबी परिंदा है, जो दरियाओं वगैरह भी उतरते हैं। स्पैरो हॉक इनके मैंने जिम्मे लगाया, मैंने कहा कि स्पैरो हॉक आए तो, क्योंकि स्पैरो हॉक इनके काम का नहीं होता, वो हम जैसे फाल्कनर यूज़ कर लेते हैं हंटिंग शंटिंग के लिए, बटेर वगैरह तीतर के लिए। इनके काम का जो परिंदा होता है वो पेरेग्रीन सैकर फाल्कन, काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं और सेल आउट के लिए उन्हीं को पकड़ते हैं। अभी ये जा रहा हूँ, उस जगह वाइट पिजन लगा हुआ था और इस जगह ब्लैक लगाया हुआ है। साथ में एक और बर्ड है, पता नहीं वो धूप काफी ज्यादा है। ये देखिए, ये तो गुस्सा लोहे की तार है और ये भी कुछ परिंदे उड़ते जा रहे हैं। ये हमारा पिजन शरीफ है जिसके पर भी बांधे हैं और डोरी से। यहाँ पे मज़े की बात यह है कि बर्ड उड़ाने का भी बड़ा मज़ा है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इलाका बहुत दूर आ जाता है। और यहाँ पे सच्ची बताऊँ तो हमारा जो ये एरिया भी है काफ़ी बदनाम है वारदात के लिहाज से,
रॉबरीज़ के लिहाज से यहाँ पे जो लोग हैं लड़ाई झगड़ों वाले, अगर किसी के साथ कुछ मसला हो गया तो डायरेक्ट टिशू टिशू, और इस वजह से घर वाले भी आने की इजाज़त नहीं देते और ख़ुद भी कुछ दिल नहीं मुतमिन होता कि हमें कुछ मसला मसाइल हो गया तो फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, तो जो ये एरिया काफ़ी डेंजरस आ जाता है, यानी कि रात के वक्त यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है वापस जाते हुए, वरना यहाँ पे जैसे माशाल्लाह से खुला एरिया है, तोते को फ्री फ्लाइट दी हो, इसके अलावा ईगल्स फाल्कन्स वगैरह को फ्री फ्लाइंग के लिए, क्योंकि दरख्त बहुत कम है, खुला एरिया फ्री फ्लाइंग, चीलों का कोई मसला नहीं है, कौवों का कोई मसला नहीं है, और फ्री फ्लाइंग का बहुत ज़्यादा मज़ा है। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो यहाँ पे आके अपने बर्ड्स उड़ाएंगे इजीली, क्योंकि अभी फ़िलहाल कोई चील कौवा कोई इस तरह की चीज़ यहाँ पे नहीं, जैसा कि वहाँ पे कौवे शवे तंग करने आ जाते हैं, चीलों का ध्यान करना पड़ता है और ऊपर से दरख्त और फसलें आए थे, यहाँ पे फ्लाइंग का अपना ही एक मज़ा आएगा, और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पे आपको फ्लाइंग दिखाएंगे बर्ड्स वगैरह की, मकाओ भी आ जाएगा। और सिर्फ लेने को मैं आज ले लूँ, मसला यही है कि बहुत, जैसा कि आप लोगों का दिल कर रहा है वैसा मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है कि जल्दी से अफ्रीकन ग्रे और मकाओ और येलो का मूड है, तीनों बर्ड्स लूँ, लेकिन मसला यही है कि अभी ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ, तकरीबन 2-3 मंथ पड़े हैं, जिसकी वजह से डिले हो रहा है, वरना मैं आज ही परचेज़ कर लूँ, मेरे पास बजट पड़ा है ये बर्ड्स लेने का। और सिर्फ बदकिस्मती ये है कि अभी सीज़न लेट है और मेरे से भी इंतज़ार नहीं हो रहा, और आप लोग भी देखना चाह रहे होंगे कि मैं मकाओ अफ्रीकन ग्रे जल्दी से ले आऊँ और उनको फ्लाइंग टीम करूँ, पाकिस्तान लेवल पर उड़ाऊँ, और इंशाल्लाह ये ख्वाब ज़िंदगी रही तो बहुत जल्दी पूरा करेंगे और आपको भी करके दिखाएँगे, बाकी और अभी आपको विज़िट करवाते हैं। कुछ बर्ड्स ये ऐसी बड़ी मार खाती है, ये भी यहाँ दरिया वगैरह पे ही आपको मिलेंगे, 3-4 वो ऊपर घूम रहे हैं और एक ये साइड पे जा रहा है, और ये है इसको चुक्की भी बोलते हैं, लॉन्ग लेग बुजर्ड, ये वाइट आई बुजर्ड है, इनके ये देखें पाँव पे जाले वगैरह लगे हुए हैं पकड़ने के लिए, और आपको दिखाते हैं दूसरी तरह ये किस तरह, क्योंकि उससे वो तो दुगज़ा होता है, जब सामने से बैरी या कोई भी चीज़ आती है तो दुगज़े में लग जाती, फंस जाती है, और इसको उड़ा के अगर कोई बैरी वगैरह चारा गुजर रहा हो तो इसको छोड़ते हैं और इससे लड़ता है वो शिकार लेने के लिए, हालांकि सिर्फ ये फंदा है, बाल छाल इसमें लगे होते हैं बटेर वगैरह कबूतरों के, और चलो छोड़ो ज़रा ये चेक करें, नहीं बह जाना है, अब इसने जाके वहाँ पे बैठ जाना है, अगर कोई दूर से बहरी इसको देख रही हो तो उसने आगे से लड़के शिकार छीनने के चक्कर में साथ इसके फंस जाना होता है, ये देखें आंखें क्योंकि सिलाइयाँ ज़्यादा लंबी है उड़ नहीं सकती ये बैठ गई, तो इसको फिर पकड़ के दोबारा लाना पड़ता है पास, और फिर इस तरह का अगर कोई बर्ड गुजर रहा तो थ्रो करना पड़ता है, इस तरीके से ये सारा दिन काम चलता रहता है, और किस्मत के ऊपर डिपेंड है, अगर कोई बर्ड पैराग्रीन या कोई सैकर फाल्कन लग जाता है, वरना नहीं भी लगता पूरा पूरा सीज़न का खाली जाता है, अगर लग जाता है एक आधा बार तो काफ़ी अच्छा सिस्टम बन जाता है।